party. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज का प्लान ये है कि आज अभी जा रहा हूँ मैं स्कूल मौली के, कि आज मौली का एनुअल डे है। और यार क्या बताऊँ, मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं कि हमारा पूरा परिवार एक्साइटेड है, क्योंकि आज मौली को अवार्ड फंक्शन में अवार्ड ही मिलना था, लेकिन इस बार स्कूल वालों ने पता नहीं क्या कर दिया, पेरेंट्स को तो बुलाया नहीं, सिर्फ बच्चों को ही बुलाया है। और नहीं तो यार हम भी जाते थे यार वहाँ पर स्टेज पर, देखते ना स्टेज पर देखने में जो मज़ा आता है ना यार, और जो इतना प्राउड फील होता है, आज वो रह गया। पता नहीं क्या चक्कर है कि स्कूल वालों ने, स्कूल वाले लगता है बहुत कंजूस हो गए यार। वैसे कभी चाय पानी तो पिलाते नहीं थे, जो खर्चा हो, पर पता नहीं फिर भी क्या है कि सिर्फ बच्चों को ही जाना है। तो अभी उसको मिलेगा अवार्ड, मैं फिर उसको लेने जा रहा हूँ। वैसे तो रोज़ ही जाता हूँ उसको स्कूल लेने के लिए, लेकिन आज कुछ अलग ही फीलिंग हो रही है, और जाके देखता हूँ कैसे रहता है, क्या मिलता है उसको, ट्रॉफी मिलती है या खाली सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी जाने में ही पता लगेगा। अभी स्कूल के आ गया है, मेरे साथ आया आदि, तो बच्चे अंदर से निकलने ही लगे हैं। ये बच्चे निकलने तो लगे हैं स्कूल से, और देखो अभी मौली भी आ रही होगी सामने से, आया जल्दी से आया। यार ये मौली भी आ रही है सामने से, और उसके हाथ में सर्टिफिकेट। और क्या मिला मौली? जैसे पिछले साल इसको मिली थी ना, सेम ऐसा। क्या हुआ मौली, कैसे रहा? अच्छा था, ठंड थी बहुत ऑडिटोरियम में। भाई पहली बार ना स्कूल वालों ने कुछ ऐसे किया कि बच्चे ने अच्छा किया है तो उसको कुछ फीस डिस्काउंट मिला है, और मैं तो कहूँ ये पहले मौली की लाइफ की पहली कमाई है। है मौली? हाँ। क्या कहना चाहेगी? हाँ। कैसा लग रहा तेरे को? अच्छा लग रहा है। खुश है? वैसे तो हम यही कहते हैं मौली तो बिल्कुल डफर है, नालायक है, पर यार कहते हैं हर पेरेंट्स को उन्हें बच्चे डफर ही लगते हैं, मेरे को तो लगता है यार। भाई जब बच्चा को जीत के लाते हैं ना तो बहुत ही सही लगता है यार। हम तो 40% नंबर भी लाते थे ना तो बहुत ही खुश होते थे कि भाई हमने 40% ले लिए, और आज बच्चा का जो 98-97% भी ला रहा है ना, कहते हैं अबे यार 3% से रह गए, ये नहीं कहेंगे 97 लिए, अबे यार 3% कम रह गए, आजकल की सोच यही होगी। आते फिर झगड़ा, फिर झगड़ा। आदि दिखा दे इसको, दिखा दे आदि। ये देखो इसको क्या मिला, ये आदि खोल रहे इसमें, और इसकी रबड़ी जान सूख रही है, जब सारे गिफ्ट ये आ रही है खोलती है तब कुछ नहीं, ये ऐसी करती है। ये देख लो इसकी कैसे जान सूख रही है, क्या पता नहीं इसमें क्या निकलेगा। और ये भाई क्या निकला, ये गिफ्ट वाउचर ₹500। वाह बोली क्या बेस्ती मारी है। और ये लेकर आया था यादी इसके लिए सरप्राइज गिफ्ट, ये देख लो भाई तेरे क्या लेकर आया है, हमेशा लड़ती रहती है उससे, इनकी हमेशा ही लड़ाई होती रहती है। अभी ये एक सेट हेडफोन थे तो इसने आदमी ने कहा चलो एक मैं इसके लिए मंगा देता हूँ। क्या बात है, पसंद आया? अभी अभी तो भाई से लड़ रही तू है, जब पर देख के बोल मेरे को, अभी तू लड़ रही थी भाई से। पहली बार स्कूल ने इनको कुछ गिफ्ट दिया है, वही ₹500। और स्टेज पे अलाउंस किया है कितना, ₹3000। अब पता नहीं, हो सकता भाई ये ₹500 हर महीने कटते हैं फीस में, ये हो सकता है कि इनको बोला था ₹3000 डिस्काउंट मिलेगा, शायद हर महीने ₹500 का फीस में डिस्काउंट मिल जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये तो स्कूल में पता करना पड़ेगा। चलो पैसे की बात नहीं है, बात तो ये कि अवार्ड की, भाई पार्टी तो बनती है, तो हम सोच रहे हैं आगे चल रहा है सावन, नहीं तो ये तो कहते हैं पिज्जा बर्गर खाना है, तो भैया पिज्जा बर्गर नहीं, हम तो अपने घर में ना आलू कचौरियाँ और कुछ रायता वगैरह बनवा लेंगे, कि अपने तो भैया यही बनती है पार्टी में, ये केक और पिज्जा बर्गर तो भैया ये तो फिरंगियों की पहचान है, हम तो हैं हिंदुस्तानी। ओए होए गजब, और इस टाइम इतना बढ़िया लग रहा है, एकदम ठंडी हवा। तो अभी घर जाके शाम को, क्योंकि मौली ने कहा था भैया पार्टी बनती है, तो पार्टी तो भाई बनती है, मैं क्या सुबह पहले थोड़ा नाश्ता पानी जो किया था वो भी हजम हो जाएगा, और पार्क में वॉक भी जाएगी, वॉक भी जरूरी है यार, वेट भी बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद में शाम को फिर कुछ फ्राइड खाना है, कि जैसे बोल दिया था भाई आलू की कचौरियाँ रायता बनेगा। कि उनको खाने के भी बहुत शौकीन है, खाओ और उसको हजम करो, हजम करने लिए भाई तैयार भी कर लो। तो अब आगे हैं पार्क में, एकदम ना ताजगी देते हैं फूल तो देखते ही ना, और इनको बहुत से लोग तोड़ के ख़राब कर देते हैं, ये देखो नीचे पड़े भी हुए हैं, भाई इनको तोड़ना नहीं चाहिए, तो सिर्फ देख के ही खुश होना चाहिए। देखो यार कितने लाजवाब इनका फूल है ना, ये तो यार पेड़ों में कीड़ा लग गया, ये देखो पेड़ों में कीड़ा लग रहा है, शायद ये तो पूरे ही पेड़ ये खा रखे हैं, ये तो अलग तरह का पेड़ ही है, ये अलग तरह का कीड़ा है, ये सारे पेड़ ख़राब कर। ये ठाकुर जी को लग गया है कचौरी और रायते का भोग, मौली के फेवरेट,
आलू कचौरी बूंदी का रायता। एक खाना खा के आ गए अब सैर करने, तो सैर तो बनती थी यार, अब फ्राइड भी खाया इतना हैवी खा लिया, तो मैं कहता सोनू भाई एक बार फिर चलते हैं पार्क में, क्यों सोनू वॉक भी कर ही लेते हैं यार, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, खाना भी ज़्यादा हो गया, तो मैं कह भाई थोड़ा वॉक करके आते हैं जिससे कि रात को दिक्कत भी ना हो। गाइस रात के बज गए हैं 10 और अब पड़ रही है बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश, तो भाई बाहर तो जा नहीं सकते और आधी का तभी चल रहा है खाना पीना। तो भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।